वेद प्रकाश जी प्रधान नगर पंचायत भुलात उन्होंने इस मंडी में 71 दर्जा ब दर्जा हल्का भुलात की जी क्रीम है जिदे ब्लॉक समिति मैंबर्स जिदे बहुत सारे सत्कारयोग सरपंच बहुत सारे मैंबर पंचायत पिंडा दे बहुत सारे बुजुर्ग नंबरदार बहुत चंगे लोग आज इस इकट्ठ समेत नौजवान समेत साडियां सत्कारयोग बीबियां भैणां बहुत थोड़े जे नोटिस से पहला कोई प्रोग्राम असीं बनाया नहीं सीगा असीं इह सिर्फ सोचा सीगा कि एक बार पिंड पहुंच जाइए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पिंडां दे विच अपनी जिहड़ी कोई प्रोग्राम लीके तुहानूं अपलाह करांगे। फिर कुछ सज्जना ने कहा कि नहीं आपां एक बार जाण तों पहलां हल्के च मत्था टेक के चलीए तो फिर मत्था टेकन वेले जिहड़ी गल शुरू हुई वह अज किली साहब जिहड़ा छेवीं पातशाही का गुरद्वारा साहब है उत्थे आपां इकत्तर होके सारे अरदास कीती है। इस तों पहलां कि मैं अगे चला एक बार प्यार नाल फतेह बुलाउणा चाहुंदा वा सारे सत्कार जो जिन्हें भी तुम हाजरी हो प्यार नाल फतेह बुलाउणी जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सब तो पहला जो इन्हों दिनों के जून 1984 जो वाकयात हुए थे उसका बहुत गहरा जख्म पिंडे ते नहींगा विचारधारा दे उत्ते सदियां तक तां रहूगा रहूगा शायद जदों तक यह सृष्टि रहेगी उदों तक यह ना भुलण योग जख्म है। बहुत सारे लोग बेगुनाह बच्चे औरतां श्रद्धालु उस हमले दे विच अपनियां जानां गवाईयां शहीद होए बहुत सारे लोग लड़दे अपनी सोच की हिफाजत करदिआं होइआं शहीद होए। अकाल तख्त साहब जिहड़ा साडी छेवीं पातशाही मीरी पीरी का एक चिन्ह है जिहड़े दो निशान साहब लगे ने उहदे च उहनां ने क्योंकि वह छेवीं पातशाही तो पहला जिन्ने गुरु साहिबान सीगे वह सारे साधु सुभाई सीगे उन्होंने बड़े तसीहे चले तत्तियां तवियां ते बिठाए गए बहुत जुल्म ढाया गया उन्होंने लेकिन वह अगे सी नहीं सी करते। गुरु हरगोबिंद जी ने कहा कि नहीं अज तो बाद साडी जिहड़ी कौम है या जिहड़े आपां इस रहिंदे आ लोग असीं संत सिपाही बणांगे मीरी ते पीरी। उस विचारधारा नूं उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अकाल तख्त साहब उसे हमले में ढाया गया जिहड़ा कि मैं समझदा फिर कहना चाहुंदा वां बिल्डिंगां टट के तो दुबारा बन जांदियां ने विचारधारावां जदों टटदियां ने जां उन्हां दे जख्म हुंदे ने उह उन्हां नूं रिपेयर हुंदे आ। जे तुसीं दुनिया दे इतिहास विच देखोगे कई बार कई चीज़ां अज भी 1500-1500 साल या हजार हजार साल पहलां दा इतिहास ताज़ा लोगों के विच है। इस करके सब तो पहला मैं सिर झुकाना वा कि जिहड़े तुसीं आ लोग सारे सामने बैठे मेरे जिहड़ा स्टेज उत्ते कुदरती चीमा साहब ही बैठे ने इन्हां दे पिता जी मरहूम सरदार बूटा सिंह जी चीमा उदाहरण दे रहा इहदा तां तुहाडे घरां विच सारे ही ने वो मेरे पिता जी के टाइम तो नाल लगे हुए ने। मैं याद है मैं बचपन बच्चा ही होंदा सी जदों कई बार इलेक्शन होंगे देखने चल जाना नाल ते मैं उन्हां दा मैं उस इन्हां दे एक पिंड दा एक दृश्य याद है स्पेशली हुण उस दृश्य नहीं जांदा। 72 च पहली इलेक्शन लड़ी मेरे पिता जी सरदार सुखजिंदर सिंह जी ने ते 2022 विच 50 साल का समां पूरा होना 50 साल सोच के देखो एक मिनट अद्धी सदी। इस करके मेरे मन से बहुत बोझ जिहड़ा पिछली बार तुसीं मान दिता उहदा उस मान का भी मैं तुहाडा कदी कर्ज मोड़ नहीं सकता कदी क्योंकि दुनिया च एक लहर उठी हुई सीगी मैनूं बाहरों देशों विदेशों तो चंगे चंगे सज्जन कहिंदे सी जी कि केजरीवाल पार्टी एक नवीं उठी जिहड़ी देश विच कोई व्यवस्था परिवर्तन करेगी भारी सुधार भ्रिष्टाचार नूं खत्म करेगी। तो लोगों ने मैनू जिदा मैं भी एक इंसान ही आना यार मेरे अंदर कोई यह तो है नहीं गा कि मैं लोहे का बनया वा सारे ने मैं मोटिवेट किया कई महीने सोचते रहे तो फिर आप सारे ने फैसला लिया कि आप इस बार आम आदमी पार्टी ज्वाइन करा। दोस्तों मैं सारी कहानगुजारी करने तो बाद
ते बिल्कुल तुहाडे नाल खड़ा वा मैं तुहाडे अगे किसे तरह का एक नवे पैसे का झूठ नहीं बोलता। मैं आज हुण महसूस किया कि मेरी बहुत भारी गलती सी, अंग्रेजी च उहनूं कहिंदे ने ब्लंडर सीगा, और मैं कितने मैं जिदा बाकी प्रोफेशनल पॉलिटिशियन होंदे ने ना, जिदा जिहड़े लोग राजनीति नूं धंधे की तरह समझते ने, जे मैं धंधे की तरह समझदा हुंदा तां मैनूं उहनूं लोकां नूं पछाण लेना चाहीदा सीगा। पर मैं उहनां दी गल्लां विच आ गया, मैं उहनां दी सादगी च आ गया, मैं उहनां दे जो उहनां ने गल्लां कीतीआं उहदे च आ गया, उह चले गए जी। जदों मैं गया ते मैं जाके देखा तो उत्थे तां काम ही होर बणिआ होइआ सी, संजय सिंह ते दुर्गेश दो आदमी दिल्ली तो लिया के बिठाए हुए सीगे, ਉਹ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਕਸੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। 250 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀਓਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਪੁੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਚੜਿਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਆ ਸੰਗਰੂਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੈਲਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਰੋਅ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬੁਲਾਏ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ 66 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਸਮਥਿੰਗ ਅੱਧੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਰੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲੋ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬੰਨੀ ਚੱਲੋ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ 100 ਸੀਟ ਬਣੀ ਪਈ ਆ, 100 ਸੀਟ ਬਣੀ ਪਈ ਆ, 100 ਸੀਟ ਬਣੀ ਪਈ ਆ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਅਨਾਊਂਸ, ਬੰਦਾ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੁਣੀ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਆ, ਅਗਲੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈਏ, ਬਾਕੀ 50% ਟਿਕਟਾਂ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਤਲੇ ਥੱਲੜੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਅੱਖ ਤੱਕ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਗਿਓਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਹੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਭੈਣੋ ਟਿਕ ਜਾਓ 2 ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਐਨ ਵਧੀਆ ਟਿਕ ਟਿਕ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ ਫੇਰ ਕਿੱਲੀ। ਇੱਕ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ, ਗੋਗੀ ਅਸ਼ਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਗਏ, 25-25, 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਮ ਟਿਕਟਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਸ ਗਏ ਯਾਰ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਹੁਤ ਆਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਡਬਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਦੀ ਦੂਜੇ, ਕਦੀ ਤੀਜੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਜ ਕੀ ਡੇਟ ਮੇਂ ਹਮ ਪੰਜਾਬ 2/3 ਸੀਟੋਂ ਸੇ ਜੀਤੇਂਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਵਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਮੈਂ ਹਾਰਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਤਰ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਬਚਾਊ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਸੀ
अगर मैं सत्ता का लालची हूं तो मैं उधर ही उड़ जाता कांग्रेस में, मैं 100% मिनिस्टर बनाना सीखा था। लेकिन मैं जवाब देता मैं इन्होंने वास्ते खड़िया वोटा पै गई 20 सीटा आई 100 की जगह 20 आई 20 आनी सी, मैं कहना शुक्र करो 20 आ गई। एक तो सारा माझा दुआबा साफ हो गया, चले तुसी मेरे मैनू बचा किया, तुसी बचाया मैं, तुहाडे सिर दे उत्ते आ जिहड़ी माझा है तुहाडे सिर दे उत्ते आ तुहाडे करके सी। ਗੁਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣੇ, 8 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਅਖੀਰ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ 19 ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, 19 ਚੋਂ 16 ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਵਾ, LOP ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਸਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ MLA ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਖਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਖਹਿਰਾ, ਇਤਨੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਉਸਕੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਸਟ ਪੈ ਗਏ। ਆਪਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੇ ਬਾਅਦ, ਆਪਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਗਲਤ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਕੇ ਆ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਤੀਜਾ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਠੀਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਸੰਜੇ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਜੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਬ ਬਹਿਸ ਕਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਜਬ ਆਪ ਖਹਿਰਾ ਕੋ LOP ਤੋਂ ਬਣਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ ਇਸੇ ਅਬ ਇਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਾ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ LOP ਤੋਂ ਆਪਕੋ ਬਣਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਹਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਬਸ ਚਲਤਾ ਮੈਂ ਆਪਕੋ LOP ਕਭੀ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਤਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀਗੀ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੌੜਾ ਕੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਇਹ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਲਵਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਏਕੜ ਦੀ ਕੋਠੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 16 ਸੈਕਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਆਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ ਕੁਛ ਲੋਕ, ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਰੁਤਬਾ ਆਪਾਂ ਮਿਲਿਆ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰ ਸਭ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ। ਨਰਮ ਨਰਮ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ, ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਟਿਊਬਲ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਵਾ ਇਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, 1 ਮੁੱਦਾ 2 ਮੁੱਦਾ 3 ਮੁੱਦਾ 4 ਮੁੱਦਾ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਤਿੱਖੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲੱਖਣ ਕੇ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 2015 'ਚ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, 2015 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਚੰਗਣ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੋਗਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਚਲਾ ਕੇ ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਲੱਖਣ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ NDPS ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੇਵ ਇਹ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ, 15 'ਚ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ,
मैं क्या मेरे कहने से तेनों एनटीपीएस से ड्रग्स के मसले तो छड़ना नहीं किसी ने तो तू मैनू भी फसाएगा। पर जो बंदा फसया होगा ना उसे सारे पास हाथ पैर मारता। उन्हें एक कॉल नहीं की, उन्हें मैं 10-12 बारी कॉल की, मैं चुकनी पई क्योंकि अगर मैं ना चकता तो मैं ऐ लगना। उन्हें कहना कि यार चंगा बंदा मैं इन्ने साल कट्टे ने मेरा टेलीफोन नहीं चकना। अच्छा जे मैं झूठा हूं मैं रलिया हूं फिर मैं पुलिस को फोन करता मैं चक के देवी की सिफारिश अमर सिंह चाहल सीगा आईजी बठिंडा डीआईजी फिरोजपुर अमर सिंह चाहल सीगा डीआईजी आईजी बठिंडा सी परमराज मनानगल। मैं क्या उन्होंने बिल्कुल सच बयान किया। मैं क्या मेरे हल्के का एक चंगा बंदा वा पर किस सरकमस्टांस फस गया क्यों फस गया रब जानता यार। कृपा करके अगर इंसाफ कर सकते बेगुनाह ना मारिया जाए। लो जी आ मेरी सिफारिश उन्होंने की किया पुलिस ने उन्होंने सुखबीर बादल को तलाह करती भी खेरा एक काबू आ गया। उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश सुखबीर बादल से इन्होंने आग्या लैके कहते कि इन्होंने खिलाफ एसआईटी बनाती सिर्फ कॉल करने के आधार उत्ते कॉल। इतने तो वे वे ड्रग तस्कर जगीरपुर के नाल कि फोटो आई थी पिछले जी हीरोइन कितनी फड़ी गई तुम्हें ज्यादा पता होना कितनी फड़ी गई थी। एक किलो हीरोइन फड़ी गई थी जगीरपुर ने जफ्फी पाई हुई थी। ऐसा तो पर्चा ये भी होना चाहिए तरन तारण। उन्होंने एसआईटी बनाती डीआईजी फिरोजपुर अमर सिंह चाहल उन्होंने कॉलों का डिटेल रिकॉर्ड कढ़ा के हाँ ये दरम्यान वो एक भैन रही है साड़ी सत्या मेरी भी भैन ही है लंदन इंग्लैंड तो फिर वह कॉल कर लग गए। मैं उन्होंने भी समझाया मैं क्या भैन जी ये तो फसया फसया वा मैं भी फसूंगा तो तुम भी फसोंगे एंड रिजल्ट वो भी फसे हुए ने नाम इस गल। उन्होंने एसआईटी बनाती कॉल रिकॉर्ड तैयार करता कॉल रिकॉर्ड रिकॉर्ड तैयार करके उन्होंने कहा जी करो गिरफ्तार इस केस के कुछ कह लो किस्मत कह लो कहते हाँ मैंने तो हम पता नहीं क्या कहते बड़े बादल ने कहा कि नहीं भी इस पद्धर तक नहीं जाना क्योंकि इस केस में लोगों उम्र कैद होनी है तो खेरे को इदा फसावे तो वह जवाब की देंगे जाके यार मैंने नहीं पता की होया। उन्होंने वो जी तफ्तीश की तहकीकात उ छड़ दी एसआईटी बंद नहीं की पर फाइल बंद नहीं की कॉल डिटेल बना के उसी छड़ दी। मैं भी छड़ दी मैं क्या मैं तो मेरा कोई गुनाह थोड़ा है यार मैं कॉल कर लिया है कॉल मैं तो अपना काम कर लग गया जो उसका जवाब देना सी देता सुनया भी जवाब वगैरह उन्होंने दिनों में मैं अपना काम कर लग गया। जो मैं 2017 पेचा पिया हूँ मैं नाम लूंगा तो फिर बड़ी पेचा जी लगनिया लोगों रह नहीं दिते हैं जो मेरा पेचा पिया उन्होंने 2015 वाला उही केस कर लिया उसे जाके एक अर्जी दिती एसी पुलिस वालों तो उसके दरम्यान बंदे गिरफ्तार हो चुके थे ना मेरा नाम एफआईआर ना मेरा नाम चलान च ना मेरा नाम गवाहां च ना मेरे कोई रिकवरी कुछ नहीं सिर्फ उस एक पुलिस वाले को दोबारा पेश किया एक अर्जी दी सरकारी वकील ने कि असं दो पुलिस वाले को दोबारा री एग्जामिन करना चाहते हैं बतौर विटनेस बतौर गवाह। वो दो पुलिस वाले आए कहते जी उदो जो असं बंदे गिरफ्तार किए भुल गए ये खेरे का भी रोल है यार कॉल डिटेल्स है कॉल करता रहा वो लो जी मैं अदालत ने तलब कर लिया कुछ वकील बैठे हुए आके धारा 319 के तहत मैं अदालत ने समन कर दिते। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन से पता बहुत हाहाकार मचन लग गई सारिया पार्टियां कोठिया से चढ़ के रौला पाने लग गया वे यहाँ ड्रग का तस्कर पहला दसो ईमानदारी तो तुम लगता मैं ड्रग तस्कर है रौला कोठिया से चढ़ के उधरों सुखबीर उधरों कोई होर उधरों झाड़ू वाले भी जो मेरे अंदरों बेईमान से रात में रोटियां खाते से जाके साढ़े विरोधी किसा कुत्ता। मैं हाईकोर्ट गया मैं नहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने मैं स्टे कर दिया अज तक सुप्रीम कोर्ट स्टे है हम तो मैं दसा सुप्रीम कोर्ट जाने सारे भोले लोग बैठे वैसे तुम पता सब कुछ है एक दिन का एक रूटीन वकील 2.5 लाख रुपया देता रूटीन जो वड्डा करना तो 10 तो जो उतो वड्डा करना 25,000 भी है दिहाड़ी का एक पेशी पाया वो वालों भावें 3 पैसे मेरा इन्ना पैसा लगा इन्ना जोर लग्या उस गल उत्ते तो वाहेगुरु की कृपा ने मैं स्टे हो गया जो खत्म होगी कहानी मैं बच गया मैं अपना काम करता रहा पर मेरा मेरे से वह परचा अज भी लटक रहा वा वो जी हम ईडी ने रेड किए ना जी ईडी जो रेड हो मैनू भी नहीं पता
हूं पता लग्या कि ईडी ने भी उही FIR आधार बनाया वा जिहड़ा लॉ आ ना ईडी का PMLA कहिंदे ने मनी लॉन्डरिंग काले पैसे नूं धो के चिट्टा करना लॉन्डरिंग मतलब धोबी उन्होंने मेरे उही केस भी चक लिया इन्हें ए मेरे घर से रेट करती सब कुछ करता बाकी सारा कुछ टीवी देखा मतलब मेरे से एक और जो इन द मीन टाइम की होया कि उन्होंने लोगों भी साल कैद हुई उस केस में भी साल जी पार्टी ने मैं लड़िया यारो जहाँ मैं मर गया उन्होंने मैं मान सत्कार देने की बजाय ट्विटर के टेलीफोन के उत्ते ट्वीट करके वह मारिया कट के बाद पहला दसो कोई इंसाफ सेगा इस गल दसो बेइंसाफी की तोहीन तो करनी करनी सी एक किस्म का जिदा किसी की पग ला के उन्होंने ठोटे मार के बाहर कटना तो मैं अपने बंद सारा ने पूछा कौन रहना इतने अभी बाहर आ गए बाद विचार के जो कुछ अभी किया तो सामने हूँ मैं मीडिया वाले ना कमेंट कर रहा मेरे खिलाफ या हक या खिलाफ उन्होंने लख में मेरे मगर कभी जिंदगी में कभी कोई आया होगा तो वो तो वह 500 बंदे ने आके मेरे दुख सुख में शिरकत की होगी 2000 लो जरा मेरे पिता जी के मरग से आया जी मेरी माता मरी वो मरग से आया मेरी चोन में आया 0.9 लोग ने वो तो सिर्फ अपने जज्बातों का मुजहरा कर रहे उसी लोग हो जे मेरे को जेल तक गए तो सानू चक्की में रखा जिसे आटा पीसते साफ की ताजना की सारे ने सू चक्या रखा कोई गल नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं जी लखन के पिंड का जत्था क्लियरली याद है होर भी बहुत पिंडा खेल 150 बंदा साढ़े ना गया जो कोई हैगा उस लखन के पिंड वाले ट्रक यूनियन की लड़ाई निकल बैठा सर डैडी गुरप्रीत पट्टे के पिता जी इस वे अमेरिका ने संदूर सिंह जी अभी 150 बंदा खेल 3-4 रास्ता रहे बी मैं तो इना करी मैं नर्म जहा बंदा ना मैं बड़ा औखा लग्या चक्की के नाल आटे की स्मैल आए रोटी दे क्या बात हुई अरे ऐ करता से इदा रोटी करके पर कंध में कह सकता से टेंट ऐसा टुटती सी रोटी पर अभी वो भी खाधी एक और बंदे जे मेरे नसीहे करते उस तो पहले मेरे पिता जी के नाल डांगा खादिया मोर्चा च गए जेलों च गए फरीदकोट गए एक तुसी हो हुण फैसला मेरा करना चाहते ने जेडे इदा बैठे ने बटना से गलती कर दी तुरे जाते सारे ने मैं बहुत बार कहा कि भाजी साडा भी सोचो अपने मैं तुरया के राह कहते हल्का की कहते हल्का की हो गया जी साडा हल्का अनाथ है लवारस हो गया तो मैं समझता सी मैं है नहीं गा मैं है नहीं गा इस करके कुछ फैसले जिंदगी दे विच अपनी सुभा नूं मार के अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नूं या इज्जत नूं भी मार के सुखपाल सिंह खेरा ने इलेक्शन लड़ा बहुत माड़ा बंदा ट्रक खा गया सारा पंजाब लुट के कट दो पासे छड़ दो डॉक्टर गांधी तो माड़ा नहीं पढ़िया लिखा हिंदू जेंटलमैन ये धार आप लुधियाने को बहस लड़े से अगे आज सब तो ज्यादा उदाहरण मैं लेना चाहता बीपी परमजीत कौर खालड़ा और पता सारा घर वाले जसवंत सिंह खालड़ा चक के चढ़े पाड़ के झूठा पुलिस मुकाबला बनाता एक शहादत का विरसा से घर में पढ़ी लिखी और शायद पोस्ट ग्रेजुएट सी तो वो चाहता सी पार्लीमेंट के मैंबर में बनने सारिया योग्यतावान को मैं जो वोटा पत्थे से हाथ मारिया मैं क्या पंजाबी वर्ड कट दिया मैं क्या फिटे मूह जगीर कौर इतों जाके दुआबे चो 1,00,000 वोट ज्यादा जीती तो कांग्रेस उतों मैं अपने आप को समझाया भी कुछ सोचना भी है कि इदा ही तुरे जाना वा सारी उम्र मैं उधर तो सोचना शुरू कर दिता मैं क्या ये
जो लोग कहते हैं ना कि बदलाव 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 चाहिए वा बदलाव की चाहिए बदलाव सरकार अच्छी होनी चाहिए है चंगे तरीके चले जवाब दे होवे काम हो लोगों के भ्रष्टाचार ना हो बदलाव ही है तो मैं क्या बदलाव वास्ते कहोगे आप बदलाव की कोशिश करते हैं मैं पिछला पूरा साल मैं ही हमेशा उन्होंने मगर पै के हूँ फिर गुस्सा ना कर लग जा बंद मेरे नाली गल बाहर दस दिया तो मैं नाम नहीं लेना उन्होंने मैं क्या जे आप कले कले फिरते पे ना ये कुछ नहीं हासिल होना स्टेज ये सारिया छोटिया छोटिया पार्टियां भंग करके अगे जुटिया एक थान एक मीटिंग दो मीटिंग तीन मीटिंग सात अठ दस मीटिंग करने तो बाद फिर बिचो किसी ने होने की सलाह दी कि प्रगट सिंह भी पुछ लो वो भी अपने अर्ग ही सेम है मैं क्या हाँ इधर नवजोत सिंह सिद्धू भी पुछ लो वो भी अपने अर्ग मैं क्या हाँ मैं कभी भी ट्राई किया नवजोत का मेरा रास्ता नहीं हो बिजी होने या वट एवर एक प्रगट सिंह मेरी गल हो गई एक एम एल ए ने वो भी नाम लै देना पुछ भी लो लोग पुछ रहे मीडिया भी पुछ रहे जगदेव सिंह कमालू एम एल ए मौर ने जिम्मेवारी ले ली कि नवजोत सिंह सिद्धू के प्रगट को मैं मिलूंगा एक बार भी मिले प्रगट को मेरा चार पांच छह आई शायद ज्यादा बार भी मिले उन्होंने हिम्मत करके नवजोत सिंह सिद्धू भी मिलता इंतजार किया एक महीना दो महीने तीन महीने चार महीने कोई जवाब नहीं ਇਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਓਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਮਾਇੂਸ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ जो कुछ तेरे सामने चुनौतियां यदि हार मन के घर बह जा सरेंडर कर दे हथियार छुट दे कहा पे हथियार मैं छड़ दिता सारा कुछ ते दूसरा राह सीगा के एक बार फिर उठ ते अपने हल्के दे लोकां दी पहला गल सुनो कोशिश कर दी आपां उहनां दी गल नूं आपां पूरा करके ते एक चंगे प्लेटफॉर्म ते चले जा सके किसी अच्छे प्लेटफॉर्म किसी अच्छे प्लेटफॉर्म